गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप सबके लिए एक नया वाला वीडियो लेके आई हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और एक बहुत ही हेल्पफुल सा वीडियो लेके आई हूँ। तो जो हाउसवाइफ है, जो न्यू किचन में है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ साथ में आप अपने ओपिनियंस मेरे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे बड़ा सा लाइक दे दीजिएगा। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, वो हाउ टू प्लान आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो जैसे ही हम डेली सुबह उठ जाते हैं, तो हमें सबसे पहला एक ही टेंशन आता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो जैसे शादी से पहले हम लोगों को इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, क्योंकि हमारी मॉम्स, हम जैसे ही सुबह उठते थे, हमारी मॉम्स हमारे लिए ब्रेकफास्ट की प्लेट लेके हमारे सामने खड़ी रहती थी। तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन जब से हम लोगों की शादी हो गई है, हम लोगों को हमारा घर संभालना पड़ता है, बच्चे संभालने पड़ते हैं, तो हम जैसे ही सुबह उठ जाते हैं, तो हमें यही टेंशन आएगा, यार आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो कभी कभी जल्दबाजी होती है, कभी कभी मूड नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तो हम सुबह उठते ही हम लोग ब्रेकफास्ट में या तो पोहे बना देते हैं, ये सबके साथ होता होगा, या तो हम पोहे बना देते हैं, या तो किसी टाइप का पराठा, आलू पराठा, फूल गोभी पराठा, ऐसा कुछ पराठा बना देते, या सिंपल सा पराठा बना देते हैं हम लोग आचार के साथ वगैरह। तो कभी कभी हमारी फैमिली भी बोर हो जाती है, कभी कभी वो लोग कहते नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारी फैमिली भी बोर हो जाती है, क्या यार वही घिसा पिटा पोहा, क्या यार वही घिसा पिटा पराठा। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि क्यों ना आपके यहाँ थोड़ी बहुत हेल्प कर लिया जाए। तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हम हमारा जो वीकली ब्रेकफास्ट प्लान है, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वो डिशेज यानी आइटम्स की एक लिस्ट बना लेना पड़ेगा, जो हम घर पे बनाते हैं, हमारे फैमिली वाले उसको जो पसंद है, या तो हम जो ज़्यादातर बनाना पसंद करते हैं, या हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम उन चीज़ों की लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद में हम उन्हें वीक डेज के हिसाब से उसे प्लान करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कॉपी पेन ले लिया है यहाँ पे। आप भी चाहे तो यही प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, एकदम काफ़ी सिंपल होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आइटम्स हम डेली बना सकते हैं, या तो हमारे फैमिली को पसंद है, हम उसकी पहले लिस्ट बना लेंगे। सो सबसे पहला वही हमारा घिसा पीटा सा पोहा, उसके बाद में पराठा। पराठे में भी काफ़ी वैरायटी बना सकते हैं हम, जैसे आलू पराठा, गोभी पराठा, लौकी का पराठा एंड एक्सेट्रा और बना सकते हैं हम। उसके बाद में हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा, उसके बाद में हम एक दिन इडली भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। आप रवा इडली बना रहे हो या राइस वाली इडली बना रहे हो। उसके बाद में हम अप्पम बना सकते हैं, उसके बाद में हम उत्तपम बना सकते हैं रवा का। अगर इनमें से आपको कोई भी डिशेस में प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद में आप चाहे तो एक दिन रवा उपमा बना सकते हो, उसके बाद में आप सैंडविच बना सकते हो, उसके बाद में आप ऑमलेट्स बना सकते हो, ऑमलेट प्लस जो ब्रेड बनाते हैं हम, जिसे ब्रेड ऑमलेट कहते हैं, हम वो बना सकते हैं। इसके बाद में हम रवा प्लस मैदा पराठा कर सकते हैं, जो मीठा बनेगा। उसके बाद में हम जो मोट बीन्स आते हैं, उसको फ्राई कर सकते हैं, जो हुसड़ बोलते हैं मराठी में, हम वो कर सकते हैं। उसके बाद में साथ ही साथ में हम खीर बना सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। उसी के साथ साथ में हम लोग रवा का मीठा शीरा बना सकते हैं।
इस टाइप से काफी सारे डिशेस है। ये सारे डिशेस मैंने हेल्दी डिशेस बनाई हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मॉर्निंग के टाइम में हेल्दी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारा हेल्दी बनाई है। कभी एक आधे दिन आप फ्रूट सैलेड भी बना सकते हो, और जैसे सैटरडे संडे वीकेंड्स आते हैं तो उस दिन जैसे हम सब घर पे होते हैं, हमें छुट्टियां होती है, तो उस दिन पे आप कुछ थोड़ा अनहेल्दी टाइप भी बना सकते हो, जैसे समोसा, डोसा हो गया, इस टाइप में आप कुछ बना सकते हो, और इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। तो चलिए अब हम इन सारे आइटम्स को वीकली कैसे प्लान करते हैं ये देखेंगे। तो हम सॉरी मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने सारे वीकडेज के नाम लिख लिए हैं, तो अब हम इसके सामने एक 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 हमारा ब्रेकफास्ट का नाम लिखते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीक हुआ, तो ये हमने हमारे फर्स्ट वीक का है बना रहे हम लोग प्लानिंग। तो चलिए हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा हमारा पूरा सैटरडे संडे वीकेंड खत्म हो जाता है, तो मंडे हमारा एकदम फ्रेश वाला डे होता है, तो हमें उस दिन थोड़ा कुछ अच्छा एनर्जेटिक खाने के लिए जरूर, मतलब हमें जो एनर्जेटिक बनाए ऐसा कुछ खाने की ज़रूरत होती है, और जो हमारे माइंड को भी फ्रेश कर दे ऐसा कुछ खाने की ज़रूरत होती है। तो हम इसमें से वैसे तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन चलो मैं सैंडविच से स्टार्ट करूँगी। तो हम लोग वेज सैंडविच बना सकते हैं मंडे के दिन। चलो हमने वेज सैंडविच बना दिए है, उसके बाद में ट्यूसडे को हम लोग इडली बना देंगे। आप राइस वाली बनाओ या खीर वाली, वो आपके साथ है। उसके साथ में एक हाथ चटनी बना देंगे हम लोग, या तो फिर हम लोग सांबार बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा ट्यूसडे निकल गया। अब आ गया हमारा वेनसडे। तो वेनसडे को हम रवा उपमा बना लेते हैं। तो अब हमने मंडे ट्यूसडे वेनसडे को प्लान कर लिया है, तो अब चलिए हम थर्सडे को कुछ मीठा बना देते ताकि हमारा मूड थोड़ा चेंज हो जाए। तो हम इसके लिए रवा प्लस मैदे का पराठा बना देंगे। तो हमने ये कुछ मीठा बना दिया है। फिर हमारा फ्राइडे पे बात आ गई, तो चलिए हम फ्राइडे को मोठ की जो बीन्स आती है उसका फ्राई बना लेते हैं, यानी कि हुसड़ जो बोलते हैं वो बना देते हैं। उसके बाद में सैटरडे आया है। मोस्ट ऑफ द डे सैटरडे हस्बैंड्स को बच्चों को छुट्टी होती है, कभी कभी नहीं होती है, तो इस दिन चाहे तो आप कुछ मीठा भी बना सकते हो, या तो फिर आप कुछ सिंपल सा बना सकते हो। अगर आप लोगों के घर में एग्स ज़्यादा खाते हैं तो आप एग का कुछ बना सकते हो, जैसे ऑमलेट ब्रेड बना सकते हो, ब्रेड ऑमलेट जो बोलते हैं, ऑमलेट ब्रेड, ब्रेड ऑमलेट एक ही हुआ, तो आप वो बना के उनका मूड थोड़ा फ्रेश फ्रेश कर सकते हो, क्योंकि लास्ट लास्ट दिन होते हैं, काम करने में बहुत ही मतलब डिफिकल्टी आ जाती है, बोर हो जाते हैं इंसान वीक पूरा एक वीक काम करके। तो अगर ब्रेकफास्ट अच्छा मिला तो पूरे दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। अब आ गया है हमारा संडे, तो अब हम इस संडे के दिन पे कुछ अनहेल्दी बना देते हैं जो हमारे हस्बैंड्स को पसंद है। अगर वो कुछ फ्राई डीप फ्राई भी बोल रहे हैं तो हम वो भी कुछ ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए हम इस दिन समोसा बना देते हैं। समोसा के साथ हम कुछ मीठी खट्टी चटनी जो कुछ घर में बनता है, या तो चना वाला चना पानी ऐसा कुछ समथिंग बना देंगे। तो ये हमारा एक वीक पूरा निकल गया है। तो अब हम इसी सेम ब्रेकफास्ट को अगर नेक्स्ट वीक भी हम वैसे ही ट्राई करते हैं, तो फिर से हमारे यहाँ पे बोर होना, वही बातें सुनना स्टार्ट हो जाएगा कि वही सेम सेम, इसलिए हम इसे भी और थोड़ा चेंज करते हैं। तो हम हमारा फिर से मंडे आ गया, फिर से हमारा मंडे आ गया है। तो अब हमने ये जो भी बनाया है उन सबको यहाँ पे टिक कर देते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पराठा ले लिया है, नहीं लिया है सॉरी, तो हमने ब्रेड ऑमलेट लिया है, रवा मैदा का पराठा ले लिया, हमने ये भी ले लिया है, समोसा ले लिया है, इडली ले लिया है हमने, तो इतने ले लिए। अब बाकी के जो है वो हम इसमें एडजस्ट करेंगे। तो पहले मंडे आया, तो इस मंडे पे हम लोग साबूदाना का वड़ा बना देंगे जो कि सबको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद में ट्यूसडे आएगा, पहले मैं ये नाम फिल कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने मंडे को साबूदाने का वड़ा बना दिया है, तो अब हम ट्यूसडे को फ्रूट सैलेड बना देते हैं।
उसके बाद में फिर से वेनसडे आ गया है, तो हम लोग वेनसडे को रवा उत्तपम बना देते हैं। हम लोग रवा उत्तपम बना देते हैं। मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने राइट कर रही हूँ, इसलिए मेरे हैंडराइटिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, तो थोड़ा डर रही हूँ मैं। तो हमने वेनसडे को रवा उत्तपम बना दिया है। उसके बाद में थर्सडे आ गया, तो थर्सडे को हम किसी चीज़ की खीर बना सकते हैं, जैसे राइस की खीर, सेवई की खीर, ऐसे कुछ खीर बना के हम थोड़ा मूड को रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद में फ्राइडे आया, तो फ्राइडे को हम अप्पम बना सकते हैं, रवा अप्पम या राइस अप्पम आपके हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद में सैटरडे आया, सो फ्रेंड्स अब सैटरडे आ गया है, ये लास्ट डे है, तो हम यहाँ पे पोहा बना देंगे। पोहा बन गया हमारा, तो सैटरडे को हमने पोहा बना दिया है। इसके बाद में हम संडे को डोसा बना देंगे, डोसा या तो फिर घर में जो कुछ कोई कह रहा है कि उन्हें ये खाना है, या तो पूरी भाजी बना सकते हैं हम लोग। तो हमारा फिर से नेक्स्ट आ रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है, तो हम नेक्स्ट वाले इसमें मंडे को पूरी भाजी बना सकते हैं। ऐसे कर करके फ्रेंड्स हम वीकली अपना ब्रेकफास्ट प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, अगर हमने ये अगर एक वीक का बनाया है, तो हम इसे ही ना रिपीट करें, हम हर वीक को उसे चेंज करते जाएं। तो सबसे पहले आप अपने एक डायरी या एक पेज में पूरा आप आइटम्स नोट कर लीजिए जो आप बना सकते हो या जो आपके घर के मेंबर्स खा सकते हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप चाहें तो हर वीक के लास्ट डे पे, वीकेंड्स पे, आप नेक्स्ट वीक के ब्रेकफास्ट की प्लानिंग एक पेज पे करके रख सकते हो, जो कि आप अपने मैग्नेट जो आता है फ्रिज मैग्नेट, उसके साथ आप अपने फ्रिज में स्टिक कर लो, और जैसा ही वीक खत्म हो जाए उसको निकाल के आप अगले वीक वाले प्लानिंग का पेज आप स्टिक कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी सिंपल सी टेक्निक हमारा फुल वीकली ब्रेकफास्ट प्लान करने की। तो मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करती हूँ और इसी तरह से बनाती हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को भी ये प्रोसेस अच्छी लगी है तो आप भी इसे फॉलो कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है मेरा वीडियो। तो आप अब मेरे बाकी के अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ ही साथ में इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगा है, आपको आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ किसी ऐसी अच्छे से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।